हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर पाठ्यक्रम अधूरा छोड़ छुट्टी पर गए गुरुजी स्कूल में, जो है पठन पाठन चौपट। तो यहाँ पर पठन पाठन चौपट हो चुका क्योंकि छुट्टी पर चले गए हैं। दिसंबर शुरू होते ही 60 से लेकर 70% शिक्षक यहाँ पर अवकाश पर और 40% अधूरा पाठ्यक्रम छूटा हुआ है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर अवकाश का कोटा बताया गया है। और प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में जो है स्थिति खराब यहाँ पर बताई गई है और स्कूलों में ऐसी बनी छुट्टी, तो यहाँ पर छुट्टियाँ हो रखी हैं। और ऐलान, उत्तराखंड में 1 जनवरी से यहाँ पर जो है शैक्षिक जो सत्याग्रह शुरू करेंगे शिक्षक। तो शैक्षिक सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं प्रदेश में 54 सेक्रेटरी वाले जो अध्यापकों को राजपत्र अधिकारी का दर्जा, अंतर मंडलीय तबादले के समय जो है मुद्दों पर जो है को लेकर बाहें चढ़ानी शुरू कर दी हैं। और 31 दिसंबर तक कार्रवाई नहीं होती है तो 1 जनवरी से यहाँ पर दोबारा से सत्याग्रह करने वाले हैं शिक्षक। और वहीं बात करें यहाँ पर वर्ष 2017 से यहाँ पर दुर्गम सेवा का लाभ देने से यहाँ पर शिक्षक नाराज। तो यहाँ पर दुर्गम सेवा का लाभ देने को लेकर हजारों शिक्षक यहाँ पर जो है अब इनको समाधान ना होने की वजह से यहाँ पर जो है बताया गया है, कहा है कि नई व्यवस्था केवल वर्ष 2017 से के बाद की सेवाओं के लिए लिया जा रहा है और शिक्षकों को जो है मजबूरन होकर जो है दोबारा कोर्ट की शरण लेना पड़ रहा है। और वहीं बात करें, नए साल में जो है मिलेगा ड्राफ्ट, जल्द लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। धामी, तो धामी ने कहा है कि जल्द ही जो है ना समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू करने वाले हैं। 2 साल में जो है ग्रेजुएट युवाओं के लिए आयोग ने निकाली केवल 3 भर्तियां, तो आयोग में सिर्फ 3 भर्तियां लोक सेवा आयोग ने निकाली हैं 2 साल में। इसमें यहाँ पर देख सकते पटवारी लेखपाल है और इसमें अधिशासी अधिकारी वाला है, समीक्षा अधिकारी वाला है, इनके आर ओ ए आर ओ वाला है 135 पदों के लिए, इन पदों पर ही निकाला गया है। और बाकी भर्तियों का जो है योग्यता विशेष पर आधारित है, सामान्य ग्रेजुएशन रखा गया है इस तरह बताया गया है। और वहीं बात करें, यहाँ पर परीक्षा के 15 दिन के बाद मिल जाएगा परिणाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा का परिणाम के बाद ही आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। और खुशखबरी, अधिकतर जो है मूल्यांकन केंद्रों में यहाँ पर 1 हफ्ते के भीतर जो है पूरा होगा मूल्यांकन। तो यहाँ मूल्यांकन केंद्रों में 1 हफ्ते के अंदर होगा। इसमें यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय में 119 महाविद्यालय में स्नातक प्रथम और विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम 15 दिन के भीतर जो है घोषित करने की बात करी गई है। तो अब जितने भी रिजल्ट होंगे अब आपके वो जल्दी हो जाएंगे। और 119 महाविद्यालय में 26 कॉलेजों और कैंपसों में जो है मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें 15 दिन के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और यह पूरी प्रक्रिया जो है सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय अन्य जो कॉलेज हैं उन सभी में होने वाली है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो है पीजी की 1 भी सीट यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मानक पूरे ना होने पर जो है नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग से नहीं मिली अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की अनुमति बताया गया। और वैसे यहाँ पर देख सकते हैं मानक पूरे ना होने पर जो है नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग से यहाँ पर जो है नहीं मिली अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की अनुमति। और यहाँ पर 172 सीट यहाँ पीजी की देहरादून और श्रीनगर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, लेकिन यहाँ पर अनुमति अभी भी नहीं मिल पाई है। बात करते हैं आरक्षण रोस्टर में जो है गलतियों पर जो है चिकित्सा सेवा चयन आयोग ने लौटाया प्रस्ताव। तो यहाँ पर 385 ANM के पदों पर जो है होनी थी भर्ती स्वास्थ्य विभाग में, इसके लिए यहाँ पर बोर्ड ने वापस लौटा दिए हैं भर्ती। कहा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में 185 खाली पदों की भर्ती के लिए जो है आरक्षण रोस्टर में जो है त्रुटि होने से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने प्रस्ताव लौटाया। और विभाग ने जो है आरक्षण रोस्टर में जो है संशोधन कर जो है प्रस्ताव दोबारा से देने के लिए कहा। और वहीं बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से संशोधन प्रस्ताव को इंतजार बताया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर संजय रावत ने कहा है कि विभागीय अधिकारी को इन्हें भर्ती का जो है प्रस्ताव चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को देने के निर्देश दिए थे और इस पर जो है यहाँ पर 385 पदों का जो है प्रस्ताव बना कर जो है बोर्ड को भेजा गया था। और लेकिन यहाँ पर खाली पदों के आधार पर जो है आरक्षण रोस्टर निर्धारण सही नहीं किया गया और इस पर जो है यहाँ पर वापस लौटा दी गई। और वहीं बात करें पर वर्ष 2017 से यहाँ पर दुर्गम सेवा का लाभ लेने से शिक्षक यहाँ पर नाराज यहाँ पर हो ही रखे हैं। और उत्तराखंड में देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने जो है दंत चिकित्सकों की नियुक्ति के ऊपर जो है पत्र सौंप दिए हैं। दंत चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र यहाँ पर सौंप दिए गए हुए हैं। और वहीं यहाँ पर 306 लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की भर्ती भी की, इन पर पदों पर की करने की बात करी गई। और दून अस्पताल में 1 साल तक जो है बच्चों का जो है फ्री इलाज, तो फ्री इलाज जो है दून अस्पताल में होगा। उत्तराखंड में 2500 वार्ड बॉय की भर्ती होगी, तो 2500 देखते हैं, 2500 पदों पर जो है नई भर्ती आपको जो है वार्ड बॉय की देखने को मिलेगा। इसमें 2250 वार्ड बॉय के पदों के लिए जो है यहाँ पर भर्ती और 306 लैब टेक्नीशियनों की भर्ती की जाएगी। 306 लैब टेक्नीशियन भी इसमें भर्ती करने की बात करी गई है। और मंत्री ने पूछा कि डॉक्टर की प्रमोशन लिस्ट कब जारी होगी, तो शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनने यहाँ पर लिस्ट में पूछी है कि भाई कब तक यहाँ प्रमोशन करने की बात करी है। 2 साल में निकली केवल 3 भर्तियाँ, सिर्फ यहाँ पर जो है आयोग जो है कितना स्लो काम चल रहा है, इनके सिर्फ 2 साल में 3 ही भर्ती निकाल पाई। अधिशासी अधिकारी 85 पदों के लिए इस साल जो है 28 अगस्त को विज्ञापन जारी किया गया था, प्रक्रिया चली हुई। समीक्षा अधिकारी के 137 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो कि 8 सितंबर को निकाले गए भर्ती गतिमान है। और वहीं यहाँ पर तीसरी 3 भर्ती में से पटवारी जो कि 563 पदों की भर्ती जो कि 14 अक्टूबर की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर
किया गया था। तो ये पद हैं लगभग इन पदों पर हुए, और इसमें कहा गया हर साल जो है 15,000 से ज़्यादा सामान्य ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, और लेकिन 3 भर्तियों में केवल 785 पद ही यहाँ पर थे बताए गए हैं। देखते हैं इस तरह का मामला चला हुआ है। तो ये हाल हो रखे हैं उत्तराखंड में, लगभग वो काफ़ी ज़्यादा BA BSc कई लोग जो है कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। और वहीं यहाँ पर नए साल में जो है मिलेगा ड्राफ्ट, जल्द ही लागू करेंगे UCC। तो UCC मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका ड्राफ्ट मिल जाएगा, नए साल में इसकी घोषणा करने की बात भी करी गई है। और वहीं यहाँ पर स्कूल में हुई चोरी के 2 और आरोपी गिरफ्तार। तो यहाँ पर जनपद में कुछ समय पूर्व टनकपुर के महात्मा गांधी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चोरी हुई थी, इसमें यहाँ पर 2 और आरोपी गिरफ्तार कर ली है, और धोखाधड़ी के आरोपी में से महिला को यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। चमोली के जो 3 बालक वैज्ञानिकों का जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है चयन हो चुका है, इसके लिए यहाँ पर बधाई सभी को। देखते हैं कृतिका है, प्रिंसी है और निकिता बिस्ट है, इनको जहाँ पर चयन कर दिया है। 22 दिसंबर को विज्ञान धाम देहरादून में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें यहाँ पर 11 को मिलेगा। और वहीं बात करें स्थानीय युवाओं को जो है नौकरी की प्राथमिकता, तो यहाँ पर देखते हैं नौकरी में हमारी प्राथमिकता, यहाँ पर धामी ने कहा कि प्राथमिकता युवाओं को मिलने वाली है, इसमें यहाँ पर रोजगार की प्राथमिकता जो है यहाँ पर दी जाने वाली लगभग लगभग कई जो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये की जो है इसमें करार करने की बात भी यहाँ पर करी गई है। और वहीं बात करें आज के जॉब अलर्ट को लेकर, तो यूपी में यहाँ पर निकली है 60,000 पदों पर भर्ती, जो कि यहाँ पर देखते हैं यूपी में 60,000 पदों पर निकाली गई है कांस्टेबल पदों के लिए। 16 जनवरी तक अंतिम तिथि निर्धारित करी गई है, आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर RMLIMN में 320 पदों की पोस्ट निकाली हैं, GICR में यहाँ पर 85 पदों की पोस्ट निकाली गई हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ पर 539 पोस्ट निकाली है प्रोफेसर की, इसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। IACS में यहाँ पर 54 पदों की पोस्ट निकाली है, DAE में यहाँ पर पदों की पोस्ट निकाली गई है 62 पदों, इसके लिए यहाँ पर आवेदन देखते हैं अंतिम तिथि 16 जनवरी 31 दिसंबर रखा गया है। अन्य पोस्ट इस तरह निकाली है, इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में है, और यहाँ पर FCI के रायवाली जिप्समैन मिनरल्स इंडिया में यहाँ पर भी पोस्ट निकाली गई, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं अभ्यर्थी। गाइज आपको बता दें कि उत्तराखंड में नई भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, इसमें यहाँ पर BHEL हरिद्वार में है, प्राइवेट तौर पर है लेकिन ठीक ठाक पोस्ट हैं, आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मैकेनिकल जो 17 पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस की हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 16 पोस्ट है इसमें, ऐसी इलेक्ट्रिकल की 5 और 4 पोस्ट रखी गई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 और 1 है, और मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस मैनेजमेंट की 0 और 5 हैं। टोटल 24 और 26, यानी कि मतलब आपके टोटल मिलाकर 50 पोस्ट रखी गई हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपके पास यहाँ पर ठीक है संबंधित जो डिप्लोमा है आपके पास यहाँ पर सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के, और इसके लिए जो है न्यूनतम 65% के चांस यहाँ पर होना चाहिए, जो कि BE BTEC आपके पास उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इन पर ट्राई कर सकते हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर 1 वर्ष के लिए 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस वालों के लिए 8,000 रुपये प्रतिमाह करके मिलेगा। बाकी यहाँ पर इसकी जो BHEL है इसके ऑफिस साइड में आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। यह वेबसाइट है, यहाँ से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट